जय हिंद साथियों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो साथियों ध्यान से सुनिएगा, इसमें से कहीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। अब इस पे विवाद है कि गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था या शूद्र कुल में, इस पे अलग अलग विवाद है, इस पर हम नहीं जाएंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा इनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया की मृत्यु हो गई, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए ग्रह का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि में समाधि की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था और इस घटना को संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाली पहली महिला थी। 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है जो कुछ इस प्रकार से है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। दूसरा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण केवल तृष्णा यानी इच्छा है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती है उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा कहलाती है और तृष्णा का कारण अज्ञानता है। तीसरा, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण बहुत जरूरी है, अतः तृष्णा यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से ही दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। फिर चौथा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब होता है सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति। फिर है सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा रहित संकल्प लेना। फिर होता है सम्यक वाणी यानी सत्य और मधुर वाणी हमेशा बोलना चाहिए। फिर सम्यक कर्म, यह होता है सत्कर्म, दान, दया, सदाचार और अहिंसा। फिर आता है सम्यक आजीव, जीवन व्यापन का सदाचार पूर्ण और उचित मार्ग। फिर आता है सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न। फिर आता है सम्यक स्मृति, जिसका मतलब होता है अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहना। फिर आता है आठवां सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता।
अब इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में। तो आरंभ में बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। आगंतुक निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन मिलता है जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आते हैं त्रिपिटक। सबसे पहला है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह है। फिर आता है सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। फिर आता है अभिधम्म पिटक। यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों यानी फिलोसॉफी के प्रिंसिपल्स का संग्रह है। पाली भाषा में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई जिसमें दीपवंश और महावंश प्रमुख है। इनमें श्रीलंका का भी उल्लेख पाया जाता है। अब आते हैं हम गौतम बुद्ध की प्रमुख घटनाएं जिन्हें क्या कहा जाता है। ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और उनके देहांत की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों का सार कुछ इस प्रकार से है। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्यों में कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया। वर्तमान में निर्णय भूतकाल के कार्य करते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि व्यक्ति को इच्छा भोग विलास का त्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया न ही नकारा है। मतलब वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पर गॉड है या नहीं है, उन्होंने कुछ पता नहीं ऐसा कहा। फिर महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। महात्मा बुद्ध ने जात ने ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती है और बौद्ध धर्म के मानने वालों को भिक्षुक कहा जाता है। देवदत्त ने बुद्ध को 3 बार मारने का प्रयास किया था। अब आते हैं प्रमुख बौद्ध संगतियों के बारे में। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी जिसका आयोजन सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगृह में हुई थी और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप और इस टाइम शासक थे अजातशत्रु। और इसमें प्रमुख कार्य हुआ था बौद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक और धम्म पिटक के रूप में उपाली एवं आनंद ने संकलित किया था। ना किएगा विनय पिटक और धम्म पिटक उपाली और आनंद नाम के लोगों ने बनाए थे। फिर आते हैं द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में जिसका आयोजन हुआ था वैशाली में। इसका अध्यक्ष था सबाकमीर और उस टाइम के शासक था कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति का कार्यक्रम हुआ था 255 ईसा पूर्व। इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्य और शासक था सम्राट अशोक। और इसका मुख्य कार्य था अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। फिर चौथी बौद्ध संगति हुई थी 1वीं शताब्दी में जिसका आयोजन हुआ था कश्मीर में। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था
अश्वघोष और इस टाइम का शासक था कनिष्क और इसका प्रमुख कार्य था त्रिपिटकों पर महाभाष्यों की रचना की गई। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था जिनके नाम हैं महायान और हीनयान। साथियों, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबको गॉड ब्लेस यू।